हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। भैया भौजी भाभी अच्छा भाई जो खातिन बा हो सब्सक्राइब कर लिया लो। दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल में, दिखाते हैं आपको आगे वीडियो। देखते देखते लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके घर की मकान वायरिंग हो या कोई भी वायरिंग हो, कोई भी लाइट खराब हो, मैं मिलकर काम को सही कर देते हैं। अकेले इलेक्ट्रिकल टेक्निकल मेरा चैनल है, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो में। देखिए ये मेरा थ्री फ्लोर का फ्लैट है जिसमें मैं बोर्ड लगा चुका हूँ और फिलहाल इन लोगों में अभी लाइट लगाना है। थोड़ा काम बाकी है, बस फास्ट सेलिंग और सेलिंग हो रहा है, पेंटिंग हो रहा है, इसमें लाइट वाइट लगाएं, काम चालू करना है। देखते रहिए वीडियो में, बने रहिए लास्ट तक। ये मेरा किचन रूम है, इसमें बोर्ड लगाकर थोड़ा टेम्प्रोरी में लाइट चालू किया हूँ, जो ऊपर सेलिंग में जल रहा है, दिखाया हूँ आपको। देखिए जहाँ सेलिंग में लाइट जल रही है। हाँ भाई, ये अगल में बगल में दिखाता हूँ रूम। ये दूसरा रूम है जिसमें पावर का बोर्ड लटका है और ऊपर एसी का बोर्ड है और सेलिंग है। तो देखते देखते रहिएगा, काम करवाना हो तो प्लीज़ मैं जो कमेंट में करिएगा। आपके आस पास ही बगल में हो सकता हूँ तो आपका काम ऐसा ही ज़बरदस्त होगा। और यहाँ पर देखिए मेरे 12 मंदिर का बोर्ड तैयार है, इसमें भी कनेक्शन कर लाइट को थोड़ा सा प्रॉडली चालू किया हूँ। बढ़ते हैं आगे वीडियो में। देखिए मेरा 18 मंडलर का बोर्ड है, 18 मॉडलर का बोर्ड। हाँ दोस्तों, 18 मॉडलर का है। यहाँ पर हम लोग काम कैसे करते हैं, एक स्विच ऐसे एक बल्ब बढ़ जाएगा तो एक पॉइंट हो जाएगा, एक पॉइंट पे 120 130 140 150 150 180 ऐसे ऐसे पॉइंट चलता है। जैसे मैं वैसे देखिए मैं यहाँ पर होल्डर मैंने लगाया है, होल्डर और फिलहाल कैसे लाइट भी लगा चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं वीडियो में। तो आप लोग जैसे मांग करें तैसे कराए, पट्टी वायरिंग कराइए चाहे अंडरग्राउंड वायरिंग कराइए, दोनों लोग करते हैं। मेन बोर्ड बनवाना हो तो मेन बोर्ड भी बना सकते हैं। लाइट का झटका ना लगे, लाइट से आपको छुए और लाइट टेंसी भी ट्रिप कर जाए, जैसे भी काम करते हैं बढ़िया बढ़िया सामान लगाते हैं, ओरिजिनल और बढ़िया बेहतर क्वालिटी का ही मंगाए। जैसे मैं कि हैवेल्स और अन्य कंपनियों का यहाँ पर देखिए मैं फास्ट सेलिंग में तार को झुला लिया हूँ और बहुत ही शानदार डिजाइन करवाए हैं यहाँ के मालिक। डिजाइन का अगर फिट है इसमें कम से कम 8, 3, 11 और 3-4 कोक की लाइट लगेगी, कोक की। अभी मैं इसमें फिलहाल आपको डिजाइन घुमा कर दिखा रहा हूँ, उसके बाद लाइट लगा कर भी दिखाऊंगा। देख लीजिए इसमें एक रूम है, इसमें बगल में लैट्रिन बाथरूम है और यहाँ पर बेडरूम है। देख लीजिए आपको घुमा घुमा कर दिखा दे रहा हूँ डिजाइन। आप लोग बने देख लीजिए, सभी कॉप की लाइट फास्ट सेलिंग में भी तार डलवाना। और यहाँ पर देखिए मेन एमसीबी बॉक्स है जो खाली फर्स्ट फ्लोर का है, एक फ्लोर में एक ही मेन बोर्ड लगता है। और यहाँ पर देखिए दूसरा रूम में ले आए हैं, थोड़ा मोड़ा डिजाइन करिए और यहाँ पर लाइट भी झुला दिया हूँ, वो एसी का पॉइंट है, फास्ट सेलिंग इसमें हुआ नहीं है, सिंपल सा काम है। इसमें बगल वाला रूम है, तो आप लोग देखते रहिए, मैं आप लोग को उसमें लाइट लगा कर दिखा देता हूँ। लाइट लग चुकी है और चालू कर दिया हूँ, देखिए कितना शानदार लग रहा है नज़ारा। और जोरदार कोप की लाइट लग रही है जो पीले में है और यहाँ पर जो जल रहे हैं ब्लू में, उस पेंसिल लाइट है जो बड़ी वाली है, छोटी वाली डिस्क लाइट थी। और यहाँ पर देखिए मेरा मेन एलसीडी बॉक्स में पहला 300 एम्पीयर का इन्वर्टर लगाया हूँ, उसके बाद
32 हिंदी भी 32 वाला जितने भी होगा, 3 32 का है इसमें, 32 का 3 है उसमें, एसी के लिए लगाया गया है, छोटे मोटे एनसी के लगाया गया है बस लाइट कटने के लिए। ये 3 इंची भी 32 की हैं और बगल वाली 20 की हैं, रूम की लाइट के लिए है। और इसके बाद 6 के लगा होगा हल्का लोड करने पर, ठीक करिए। तो आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कमेंट से सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।